हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिम्स ब्यूटी। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि वैक्स कैसे करते हैं फॉर बिगनर्स। तो यहाँ पर मैंने वैक्स मशीन लिया है और उसके अंदर वैक्स डाला है, और यहाँ पर मैंने चॉकलेट वैक्स लिया, और उसके बाद हमें कस्टमर के पाँव में अच्छे से पाउडर लगा देना है। पाउडर लगाने से ऐसा होता है कि जल्दी से वैक्स जो हम करते हैं वो अच्छे से निकल जाता है और उसमें बाल नहीं रहते हैं, तो ये होता है फ़ायदा। जब भी आप वैक्स करो तो एक चीज़ ध्यान रखो कि पाउडर हमेशा आप पहले लगाओ, उससे ड्राई स्किन हो जाती है तो जल्दी से हेयर रिमूव हो जाता है। तो इसके बाद हमें अप्लाई करना है पहले वैक्स क्रीम, और वैक्स क्रीम अप्लाई करते समय हमें उसे बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि वैक्स सीखने में सबसे ज़्यादा हार्ड यही है कि वैक्स क्रीम को अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर मैंने वैक्स क्रीम को बहुत ही ज़्यादा पहले मैंने फूका, और उसके बाद उसे पाँव पे अप्लाई किया। और आप बिगनर्स हो तो आपको पहले थोड़े थोड़े से अप्लाई करना है पाँव पे वैक्स क्रीम, और उसके बाद खींचना है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल, मुझे अच्छे तरीके से आता है इसलिए मैं ऐसे लंबा लंबा ले रही हूँ, और अगर आप बिगनर्स हो तो आपको थोड़े थोड़ा लेना है और उसके बाद पट्टे से खींचना है। और वैक्स करने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, लाइक जिसका कम बाल होता है वो भी वैक्स करवाता है, क्योंकि उससे पाँव के जो टैंग होते हैं वो पूरे निकल जाते हैं और फिर पूरा गोरा दिखता है पाँव, तो इसलिए भी लोग वैक्स करवाते हैं। और वैक्स करवाने में ये भी फ़ायदा है कि अगर आप रेजर कर रहे हो तो हेयर जल्दी आ जाता है, और वैक्स करने में हेयर बहुत दिनों के बाद ही आता है। और वैक्स में भी बहुत सारे वैक्स आते हैं, चॉकलेट वैक्स, एलोवेरा वैक्स, और उसके बाद रीका वैक्स। और रीका वैक्स जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो करवाने के बाद लाइक महीनों के बाद ही हेयर आता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। एक ही बार उसे अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई करोगे तो फिर स्किन निकलने की डर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कैसे अप्लाई कर रही हूँ, तो आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना है। और उसके बाद पट्टे पे बहुत ही ज़्यादा हमें हाथ मलना है, और उसके बाद पट्टे को खींचना है। तो अभी आप वीडियो में देखोगे कि मैंने यहाँ पर पाउडर लगा लिया था पहले ही, अब उसके बाद हमें यहाँ पर स्प्रेड करना है। और हमें वैक्स ज़्यादा गर्म नहीं लगाना है, अगर हम ज़्यादा गर्म वैक्स क्रीम लगाएंगे कस्टमर के पाँव पे तो वो कस्टमर का पाँव जल जाएगा और वो अगली बार से आपके पास नहीं आएगा। और आप बिगनर्स हो तो प्लीज़, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप बिगनर्स हो तो आप पहले अपनी फैमिली में करो, उसके बाद किसी का करो, क्योंकि पाँव जल जाएगा तो कस्टमर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा और कभी भी आपसे वैक्स नहीं करवाएगा। सो दैट्स वाई आप पहले अपनी फैमिली के ऊपर ट्राई करो, दैन किसी और के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा देखो मला, उसके बाद मैंने पट्टे को खींचा। और जब हमें वैक्स करते समय ध्यान रखना है, आपने मेरा हाथ देखा होगा पीछे, जब भी मैं वैक्स कर रही हूँ तो पीछे हमें बिल्कुल टाइट सा पकड़ लेना है, क्योंकि स्किन जब टाइट हो जाती है तो फिर हेयर रिमूव होने में और पट्टा खींचने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है। तो यहाँ पर हमें जहाँ जहाँ हेयर है तो हमें उसे वहाँ वहाँ क्रीम लगाना है, वैक्स क्रीम लगा के, और उसके बाद अच्छे से रिमूव कर देना है। और मेथड यही है कि आपको बस थोड़ा थोड़ा लगाना है वैक्स क्रीम, और उसके बाद आपको करना है, भले ही आपको 2 घंटे लगे, 1 घंटे लगे, लेकिन आपको स्लो ही करना है अगर आप बिगनर्स हो तो। यहाँ पर इतना सारा हेयर निकला, उसके बाद तो आप देख सकते हो, और किसी किसी के तो बहुत ही कम हेयर होते हैं लेकिन वो टैंग हटाने के लिए वैक्स करवाते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पाउडर लगाया, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो क्रीम लूँगी उसे हमें फूकना है पहले, और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा ना तो जल जाएगा। और वैक्स का जब हम नाइफ़ में लगाते हैं, नाइफ में लेते हैं, तो उसे हमें देखना है कि वो टपक ना जाए पाँव पे। और कभी कभी कैसा होता है कि ज़्यादा ब्लेड में जो होता है नाइफ़ में ज़्यादा क्रीम आ जाता है और वो कस्टमर के ऊपर टपक जाता है तो बहुत गुस्सा करता है। और यहाँ पर पट्टे में भी डिफरेंस होता है, एक तरफ दरदरा होता है, एक तरफ प्लेन होता है, तो जो दरदरा है वो हमें कस्टमर के पाँव के ऊपर रखना है, और जो प्लेन है वो हमें हमारे हाथ के नीचे रहेगा, उसके बाद हमें कर देना है। तो आप देख सकते हो डिफरेंस ही कितना अच्छा दिख रहा है, जहाँ पर वैक्स हो जा रहा है और जो दूसरी साइड हेयर है वहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए भी लोग वैक्स करवाते हैं। तो पूरी लेग में हमें बस यही वाला प्रोसेस करना है।
तो यहाँ पर मैंने पूरा लेग, दोनों लेग दिखाया है कि कैसे करना है, इसलिए मेरी वीडियो बड़ी बन गई है। तो अगर आपको वीडियो पूरी नहीं देखनी तो आप वीडियो को भगा के आगे भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको फुट भी देखना होगा कि फुट को कैसे करना है, तो इसलिए आप वीडियो को आगे करके देख सकते हो। और अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको ही प्रॉफिट है, लेकिन आपको पता चलेगा कि कैसे धीरे धीरे जो नाइफ है या फिर लकड़ी है, मतलब आप लकड़ी वाला भी नाइफ ले सकते हो या फिर वैक्स नाइफ आता है वो भी ले सकते हो, उसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास नाइफ नहीं था अवेलेबल, तो मेरे पास यहाँ पर ये लकड़ी वाला स्टिक था, तो मैंने ये स्टिक से अप्लाई किया। बट इसे आपको अप्लाई करना आना चाहिए वैक्स क्रीम, तो ही आप कर पाओगे, वरना आप पहले पहले तो शुरू शुरू में नाइफ ही खरीद के नाइफ से ही करो। तो अभी आप देख सकते हो कि हेयर का डायरेक्शन भी हमें देखना है कि कौन सी साइड हेयर डायरेक्शन है। अब इनके पाँव में जिस साइड हेयर डायरेक्शन है उसी तरफ से मैं वैक्स कर रही हूँ और पट्टा भी मैं उसी तरफ से खींचूँगी, तो उससे क्या होगा, इजी से हेयर रिमूव हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना है, लाइक आप हैंड वैक्स भी करते हो उसमें एक तरफ हेयर दूसरी साइड होता है, तो उसमें भी आपको यही वाला ध्यान रखना है, उसी तरफ वैक्स लगा के उसी तरफ से पट्टा खींचना है, तो वो इजी से सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन लेते हो तो वो एक दो बाल रह जाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे, फिर आप वैक्स करने में भी इरीटेट हो जाओगे, इसलिए ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है आपको।
तो यहाँ पर हमारा 1 पाउंड फिनिश हो गया, इसलिए अब हम फूड की बारी है। तो अब हम फूड करेंगे। फूड पे भी आप देखोगे तो फूड पे जो उंगलियाँ होती हैं उसमें भी हेयर होता है, तो उसे भी हम करेंगे ध्यान से। और फूड पे भी फूड एकदम मतलब लाइक हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो आउटसाइड ही रहता है, तो उसके बाद वो उसमें बहुत ज़्यादा टैंग हो जाता है, तो वैक्स करवाने से तो क्लीन ही दिखता है फूड। इसमें भी पूरा हमें जब लेना है, जब फिंगर्स पे लेना है, तो उसमें थोड़े थोड़े लगाने हैं क्रीम को, और उसके बाद अच्छे से पट्टे को खींचना है, और उसमें भी हेयर के डायरेक्शन में, तो हेयर का डायरेक्शन देख के आपको करना है। तो अभी मैं यहाँ पर दूसरा लेग स्टार्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हो अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही लिया है, स्प्रेड किया है वैक्स को, और यहाँ पर मैंने चॉकलेट लिया, आप कोई भी वैक्स ले सकते हो। और उसके बाद आप नए हो तो मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा ही लेना है, और उसके बाद आपको अच्छे से जो इस वैक्स पट्टा है उसे अच्छे से खींचना है। तो मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी बन गई है, स्टिल एक यहाँ पर और भी है। अगर आपका पट्टा चिपचिपा है तो आप इसके ऊपर पाउडर भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो अब इतना हमारा ख़राब हो गया पट्टा था, हम इसे फोल्ड कर देंगे और हम अब इसे दूसरी तरफ से खींचेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्रीम अप्लाई किया, तो आपने देखा होगा कि मैंने फूका पहले और उसके बाद ही अप्लाई किया पाँव पे। क्रीम अप्लाई करने के बाद जो हमने पट्टा फोल्ड किया था, अब उसी की तरफ से हम पाँव पे नीचे रखेंगे और उसके बाद हम इसे खींचेंगे। इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो पट्टा है उसकी बचत होगी।
अगर आपको नॉलेज हो तो हम पट्टा धो भी सकते हैं और दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और हम जींस के कपड़े से भी हम वैक्स कर सकते हैं, बट मैं तो ये फेंक ही देती हूँ क्योंकि मुझे दोबारा कंफर्टेबल नहीं होता। और इसे पट्टे को धोना मतलब बहुत बड़ी बात है, इससे अच्छा फेंक के दोबारा दूसरा न्यू ले लो, वही अच्छा है। और या फिर लोग घर पे तो जींस के कपड़े से भी करते हैं तो वो भी ठीक है, बट मैंने कभी किया नहीं है। आप करना तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि कैसा होता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जितनी बार मैं वैक्स कर रही हूँ उससे पहले मैं पाउडर लगा रही हूँ और उसके बाद ये वैक्स क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद हमने लिया और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब, और उसके बाद खींचा पट्टे को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको अगर पार्लर सीखना है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी वीडियो अपलोड की है। आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कीजिए, वहाँ पर अगर आपको आईब्रो सीखना है, फेसियल सीखना है, सभी चीज़ अवेलेबल है। और अगर आपको कुछ और चाहिए, हेयर स्टाइल चाहिए या मेकअप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना के अपलोड करूँगी। और अगर आपका कोई फ्रेंड है और उसे पार्लर सीखना है तो आप उसको मेरा चैनल भी सुझाव कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। वैक्स करते समय अगर आपका पट्टा गंदा हो जाता है तो आप उसके ऊपर पाउडर लगा सकते हो ताकि वो आपके हाथ में न लगे और आपका हाथ ख़राब ना हो। उसके बाद आप उसको मल सकते हो जितना देर तक, और उसके बाद आप पट्टे को घींच सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया, अगर यहाँ पर पट्टे पे वैक्स लग जाती इसके ऊपर मैं पाउडर लगाती, आपने वीडियो अगर पूरी देखी होगी तो उसमें मैंने कहीं कहीं ये वाली मैथड अप्लाई किया।
तो आप आगे की वीडियो में देख सकते हो वैक्स करवाने के पहले कैसा लग रहा था और वैक्स करवाने के बाद कैसा लग रहा था। आफ्टर बिफोर की फ़ोटो तो ज़रूर ही देखें, क्योंकि उससे पता चलता है कि कितना डिफरेंस आया है वैक्स करवाने के बाद। ऐसा करते हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।